सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो आई वधी का अपडेट लाए बेल आइकन के क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शफ़ा सुल्तानी सुपर कुकिंग शो में का सब खैरियत से हूं। तमाम बेहतरीन रेसिपी आज भी खणी आया हूं। कबाब चिकन जे कबाब जी हुई फरमाइश आई, तमाम सुठा चिकन जे कबाब ठाई पर जिनो नालो है चिकन टिक्का रेशा कबाब। ठीक है, बेहतरीन कबाब आए। पहली भी मैं एक डेढ़ साल पहले ठाया हुआ, वरी रिपीट कैंप छाकाण जी फरमाइश आई पे। उन से अगर ठाईदा सी अनारदाना चटनी, अनारदाना चटनी डाड़ू जो बीज हूँ ना जो डाड़ू अस खाई ताज़ो गाढ़ो जो हों छिले खाता उन चटनी खाने से खाँ पे तमाम ज़बरदस्त बेहतरीन चटनी है। सुबाने नए बजे रिपीट हलो, स्क्रीन से जो नंबर लिखो उनके सेव करी वो। ठीक है, कोई भी फरमाइश करो जो पुछी सको कॉल करें। एनएक्स असा सा एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन, इस्त्री, हर शे मिले पे मार्केट में वी सो तामू जो मशीन इस्तेमाल कर तमाम ईजी थी। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी है। कबाब हम डिफरेंट किस्म के बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, चिकन के आज मैं बना रहा हूँ चिकन टिक्का रेशा कबाब। बहुत ईजी, कम बजट में और बेहतरीन रेसिपी है जिनकी फरमाइश है कबाब की चिकन की इस तरह बनाएं, कम बजट में बनेगा और बड़े ज़बर से बनेंगे। ठीक है, साथ ही अनार का मौसम है, अनार के हम जूस पीते हैं, अनार वैसे छील के खा रहे होते हैं, नमक लगा के काला नमक, अनार की चटनी बनती है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी चटनी, ये ज़रूर नोट कीजिएगा अनार की चटनी। दोनों रेसिपीज बहुत ही बेहतरीन है। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसको सेव कर लें। ठीक है, एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह। आप चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए 400 ग्राम या 1.5 पाव के करीब। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि इसमें हमने आलू भी डालना है, इसमें ब्रेड भी जाएगा, इसमें बहुत सारे मसाले भी जाएंगे, अच्छे खासे कबाब बन जाएंगे। और अगर आपने 1 किलो चिकन से बनाना है तो उसकी आपने क्वान्टिटी जितनी चीज़ों की है वो आपने डबल कर देनी। ये है 1.5 पाव से आधा किलो, 400 ग्राम काफ़ी है, 500 ग्राम करेंगी तो आधा किलो बन जाएगा, ये 1.5 पाव के करीब है। बोनलेस चिकन लेना है, बूटियाँ करवा लें, कीमा वगैरह नहीं होगा, मीडियम साइज़ की जैसे बूटियाँ होती हैं ना इस तरह आपने करवा लेनी है। 1.5 पाव बोनलेस चिकन खाना दो जी, बूटियों कराई वजह। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ, अगर आपके पास बोनलेस नहीं मिलता है ना, सीने का पीस ले लें 3 पाव जितना। ठीक है, लेग पीस भी ले सकती हैं, मिक्स में भी ले सकती हैं, जैसे नॉर्मल हम सालन के लिए बूटियाँ करवाते हैं ना वो भी ले सकती हैं। जैसे मैं मैरिनेशन बॉनलेस ही करूँगा, वही मैरिनेशन आप डी वाली चिकन के साथ भी करके गला के खुश करके फिर उसको ठंडा करके आप रेशा करेंगे, लेकिन बॉनलेस से ईजी हो जाता है तो फिर वो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। बॉनलेस हमने 1.5 पाव लिए तो वो आपको आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि हड्डियों का वज़न भी निकालना होता है उसमें से, तो वो आपकी मर्जी है। हड्डी वाली चिकन में भी ठाई सको था सीने जो पीस खड़ी वो बूढ़ो 1.5 किलो का ट्रेपा जितो, क्योंकि हड्डी जो वज़न भी मन कर दो बूटियों कराई वो उनके भी सागे मसालन से अगर मैरिनेट करे तो चाहिए तो बाकी बात करेंगे। इसमें हमने डालना है चिकन टिक्का मसाला, मार्केट में अवेलेबल होता है, हर कंपनी का मिल रहा होता है, तो ये आपने भर के इसमें डालना है 3 खाने के चम्मच। ये पूरा मेजरमेंट किया हुआ है 3 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्को मसालों मार्केट में मिले तो कहीं भी कंपनी जो अटी सगोता खुलो भी मिले तो पैकेट वालों मिले तो उनमें ट्रे खाने का चमचा भेजो। ठीक है, 1.5 पाव में 0.5 किलो चिकन आए तो 4 खाने के चम्मच, 1 किलो चिकन आधा किलो बोनलेस है तो उसमें आपने 4 खाने के चम्मच डालने हैं, 1.5 पाव है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 खाने के चम्मच। इसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इस तरह भर के, 1 और ये 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस 2 खाने के चम्मच से 3 खाने के चम्मच जितना। ठीक है, 3 खाने के चम्मच, 1.5 पाव आपने चिकन लिए बोनलेस 400 ग्राम, और इसमें हमने डाल दिया है क्या, चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें या खुला भी मिल जाता है अच्छा तो वो भी ले सकती हैं। वो हमने 3 खाने के चम्मच डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डालने के बाद इसमें मैं लेमन का जूस डाल रहा हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, बखा 3 खाने का चम्मच लीमे जो रस भरे विचन दो, अदरक थोड़ो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन टिक्का मसाला कहीं भी कंपनी जो तव वठी वठ जो वो टाइम में विचन दो 3 खाने का चम्मच। और अगर आधा किलो चिकन है तो लेमन का जूस आपने बढ़ा देना है
चार खाने के चम्मच कर दीजिएगा या पांच खाने के चम्मच। चिकन टिक्का मसाला आपने कर देना है फिर चार खाने के चम्मच, और अदरक लहसुन का ही वही रेशो रहेगा जो उसका होगा, ठीक है। अदरक लहसुन जो वही रेशो रहा जो हमें होंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, मैरिनेशन करनी है। और जब भी कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं ना, उसमें कुकिंग ऑयल ज़रूर डाला करें। तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब भी कोई मैरिनेशन करें उसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ज़रूर डाला करें। मैरिनेशन कुकिंग ऑयल से ही अच्छी होती है, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा और 10 मिनट आपने छोड़ देना है। चंगी तरह इनके मिक्स कंदासी पोइ नहीं ॾिसो। हाणे जी मैरिनेशन थी वई आहे, इनखे असां छा कंदासीं, हाणे पतीले में विझंदासीं। ऑयल बस इनमें 2 खाने जा चमचा काफ़ी आहे, ठीकु आहे। वधीक ऑयल विझण जी ज़रूरत नाहे, मैरिनेशन में ही विझी छॾिजो। मैरिनेशन में ही ऑयल डाल दिया। अब हमने क्या करना है, एक पतीला ले लें या कढ़ाई ले लें जो आपके पास हो। इसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, ये पूरा इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था पूरा मसाले के साथ इसमें उतार देना, और इसको कवर करके आपने गला देना है चिकन को। बोनलेस से 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाएगी। हड्डी वाली चिकन अगर आपके पास बोनलेस नहीं मिल रही तो हड्डी वाली चिकन ले लें, ठीक है। हड्डी वाली चिकन जैसे बोटियां करवा देना, हम उसी तरह बोटियों को सेम क्वांटिटी में मैरिनेशन करें। उसको फिर आपने 2 घंटे रखना है, क्योंकि हड्डी जो होती है ना वो अंदर से ब्लड भी होता है उसमें, और वो जल्दी गलता भी नहीं है, गोश्त टाइम लगता है। तो उसको आपने 2 से 3 घंटे मैरिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद अपने पतीले में चढ़ाना है, और उसके साथ फिर आपने 1/2 कप पानी डालना होगा। इसको मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि 7 मिनट में बोनलेस से हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, जैसे ही गल जाएगा फिर हम इसका रेशा बनाएंगे। हड्डी वाली चिकन होगी तो 1/2 कप पानी भी डालेंगी और इस तरह कवर करके पकाएंगे 20 मिनट। उसके बाद उसका पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन निकालेंगे, हाथ से बूटियाँ हड्डी से अलग करेंगे, उसका रेशा बनाएंगे। बोनलेस है इसको आपने इसी तरह बनाना है, ठीक है। हड्डी वारो गोश विझंदो त 1/2 किलो ट्रे पा हड्डी वारो गोश खणंदो, सीने जो खणजो, ठीक है। उनके सेम तरीके से मैरिनेट कंदो, उनके बाद पतीले में विझंदो, उनके बाद उनमें 1/2 कप पानी विझंदो, हल्की बाहि ते छॾंदो 20 मिंट। गोश गरी वेंदो, पानी खुश्क थी वेंदो, थधो करे पंहिंजी बूटियूं अलॻि करे छॾिजो। 1/2 पा गोश अची वेंदो, उन 1/2 पा जेतिरी हड्डी निकिरी वेंदी, ठीक आहे। तो अब इसको पकने देंगे, एक दफ़ा फैला देंगे इसको मिक्स करके, फिर दोबारा पकने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह है। तो वो तो आपने तड़का करने लगाया था ना, तो वो तड़का हमसे मिस हो गया, तो लाइट तो नहीं चल, सुबह देखने भी नहीं देख सकते, ठीक है। अभी फोन पे बता दूं या लाइट है तो देख रही है? मैं देख रही हूँ। चले ठीक है, आप टीवी की तरफ जाए, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके जी, ओके जी, अल्लाह। इसको हल्की आंच पे पानी का हल्का सा मैं छींटा दूंगा, थोड़ा ड्राइनेस आ रही है ना, तो इस तरह हाथ में वो पानी लिया, हल्का सा छींटा, 4 खाने के चम्मच जितना आपने छींटा दे देना, ताकि इसमें स्टीम बने और चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए। बोनलेस का कुकिंग टाइम होता है 7 मिनट, बोनलेस का कुकिंग टाइम, ठीक है। बोनलेस जो कुकिंग टाइम होता है 7 मिनट, हड्डी वाली जो टाइम होता है 15 मिनट। हड्डी वाली चिकन 20 से 25 मिनट में गलती है, बोनलेस 7 मिनट में बिल्कुल हो जाती है। पानी का छींटा दिया था स्टीम बनाने के लिए, हल्का हल्का बीच बीच में इसको इस तरह घुमाते जाएं ताकि चिकन आपकी अच्छी सी टेंडर हो जाएगी, ठीक है, गल जाएगी। अच्छा, कल जो हमने टमाटर का रायता बनाया था ना, उसके लिए आपने ऑयल लेना है 6 खाने के चम्मच। उसमें आपने कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो ना डालें, ठीक है। 8-10 दाने कड़ी पत्ते के पत्ता डालना है। लहसुन हमने डालना है बारीक कटिंग किया हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, राई दाना उसमें डाल दिया था 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और उसका भगार बना, फिर उसमें आपने टमाटर डाल के टमाटरों को कवर करके गलाया था, और फिर टमाटरों के छिलके हटा के टमाटरों को भूना था, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता होगा। अब एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक ये चिकन गल जाएगी इसको निकाल के फिर हम ब्लेंड करेंगे, रेशा बनाएंगे, पिस्ता बनाते, एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ग्रांजीन ब्रेक ते उनका पहली था सामू चिकन चिकन ठाई ना चिकन टिक्का रेशा कबाब टाइम पे चिकन टिक्का रेशा कबाब बना रहे हैं। तो उसके लिए जो चिकन मैंने बनाई थी ये निकाल दी है, और उसको आपने ठंडा कर देना है। देखें बोटियाँ हल्का हल्का सॉस, इसका मतलब मसाला जो है ना बिल्कुल जलाना नहीं है, ये रहने दीजिएगा इस तरह, जैसे गाढ़ा गाढ़ा मसाला इसमें रह रहा है ना, ये हमने यूज़ करना है इसके साथ।
अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर इस तरह का चॉपर है, आप चॉपर में करेंगी तो रेशा बनेगा, जूसर ब्लेंडर में नहीं कीजिएगा, पाउडर की तरह बन जाएगा। नहीं तो इसको क्या करें, हाथ में उठा के ना बोटी को रेशा हाथ से ख़ुद बनाएं, बारीक बारीक रेशा आपने ख़ुद बनाना है ठंडा करके। अगर मशीन ना है ही तमाम एनएक्स का चाहती हूँ मशीनों का जल्दी कम थींदो, अगर ना है हथ सां बारीक बारीक रेशो करे छो जो मसालो जो बचल है ना उनमें मिक्स कर छो। हाँ मॉट मशीन मौजूद है तो मैं इनमें विझा पे, इनमें जल्दी थी 30 सेकंड में, ठीक है। सारा मसाला बोटियों के साथ आपने इसमें उतार देना है चॉपर से, ये बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें, टाइम बचता है, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, कबाबों का मसाला है, कीमा है, इवन कि इसमें आटा भी आप गूंद सकती हैं, ब्लेड चेंज करके सेम इसमें आटा भी गूंदा जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन होता है इसका, जो एक तो स्टील का ब्लेड है ना, एक प्लास्टिक का होता है, वो आटा गूंदने का भी होता है इसके अंदर, तो आप इसमें आटा भी गूंद सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने मसाला डाला ना इसमें, ये सारा चला देंगे, ये इसमें रेशा बन जाएगा, वो आप देखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का चलाना है, क्योंकि हमने रेशा चाहिए, हमें वधिक ना लाइंदा से ॾिसो ही रेशो ठही वियो, ठीक आहे। ॾिसो केतिरी जल्दी 30 सेकंड, अधु मिंट बि कोन हली आहे मशीन, हे ॾिसो हिन तरीक़े सां पारचा ठही वियो आहे रेशा। ऐं अगरि हीअ मशीन न आहे त तव्हां हथ सां बि करे सघो था, ठीकु आहे। मशीन नही है तो आपने हाथ से कर लेना है बोटियां, एक 30 सेकंड में रेशा बन गया, ठीक है मशीन से। अब ये हमने निकाल देना है सारा इसमें एक बॉल में, और उसके बाद इस कबाबों में क्या क्या मिक्स करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये सजो मिक्सचर जो असान में लाइंदी, ब्लेड हटी हटाई छो, ब्लेड हटा के, और ये सारा मिक्सचर एक बड़े बॉल में आपने डाल देना। मशीन नहीं है, आप हाथ से रेशा बना लें, कोई मसला नहीं, ठंडा करके बारीक बारीक रेशा नहींगा, ताकि कबाबों में रेशा होना चाहिए, ठीक है। ये चिकन टिक्का मसाला जो हमने डाला था उससे ही बना है, फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आ गया, ठीक है। ये हो गया, और ये मसाले हर जगह मिल जाते हैं, चिकन टिक्का मसाला आप मार्केट का ले लें, वरना अगर घर के मसालों में चाहिए तो यूट्यूब पे जाएं, कुकिंग विद फैसल सर्च करें, चिकन टिक्का रेसिपी कुकिंग विद फैसल सर्च करेंगी तो उसमें चिकन टिक्का होममेड मसाला भी मैंने बनाना सिखाया हुआ, तो वो मसाले आप घर से लेके कर सकती हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास रेशा, अब हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डालने हैं आलू, 3 बड़े आलू या 4 मीडियम साइज़ के आलू आपने बॉयल कर देने हैं, और आलूओं को आपने मैश कर देना है। ट्रे वडे साइज़ जा या 4 मीडियम साइज़ जा, 1 पाव 1.5 पाव जितना पटाटा उनके बॉयल करें, हीअं मैश करे वठिजो, इहो इंजन मिक्स कंदासीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं यास्मीन जावेद, आप ठीक हैं? चिकन लाइट नहीं है आपकी? चिकन टिक्का रेशमी रेशा कबाब बना रहा हूँ, इसकी फरमाइश भी थी चिकन कबाब की ना? जी ये बना शामी कबाब की तरह या वैसे रेशा? शामी कबाब टाइप का ही होगा, लुक वाइज ना मज़े का बनता है बहुत, चिकन टिक्का रेशा कबाब, और साथ अनार आजकल आया हुआ ना, अनार की चटनी बनाना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको रेसिपी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अब ये देखें आलू को मैश कर दिया, गुठली नहीं होनी चाहिए आलू में, आलू को आपने मैश कर दिया, ठीक है। 1.5 पाव 1 पाव इतना आलू, बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालना है। पटाटा मैश करे वरता हे मुझे अंदर हलिया वा, सारा मसाला जो स्पून पे लगा हुआ सारा आपने उतार देना। अब इसमें हमने मसाले क्या डालने हैं, नॉर्मल हरा मसाला जैसे हम यूज़ करते हैं, 1 प्याज हो अच्छा हो, ठीक है, 1 कप जितना, ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ बारीक, 1 बसर ऑमलेट वगैरह बारीक चॉप थे, ठीक है। 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना बारीक कटिंग किया हुआ, 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना बारीक कटिंग किया हुआ, 1 कप जितना प्याज बड़ा ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे इसमें 2 अदद बारीक कटिंग की हुई, जो कढ़ाई गोश्त में हरी मिर्चें हम डालते हैं ना वो वाली थोड़ी फीकी होती हैं, जो बारीक आती है ना बहुत तेज़, वो वाली नहीं डालिएगा, कोशिश करें नॉर्मल वाली हरी मिर्च डालें, 2 डाल दें 1 डाल दें आपकी मर्ज़ी, मैंने 2 डाली हैं। अब इसमें जाएगा लेमन जूस, लेमन जूस कितना जाएगा इसमें, 1 खाने का चम्मच, ठीक है, 1 खाने का चम्मच लीमे जो रस, 1/2 कप सावा धाणा, 1/2 कप फूदनो, 2 सावा मिर्च, तिखा इंता पो 1 विझो, ठीक है। ऐं हुन सां गॾु लीमे जो रस हली वियो 1 खाने जो चम्मच, 1 खाने का चम्मच लेमन का जूस, 1 प्याज बारीक कटिंग किया हुआ, 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, ये सब चीज़ें डाली। अब इसमें पिसे हुए मसाले भी जाएंगे, ठीक है, पिसे हुए मसाले भी जाएंगे। वो टिक्का मसाला तो सिर्फ हमने चिकन को
फ्लेवर देने के लिए दिया था ना, तो अब इसमें जो आलू हैं बाकी मसालों को बैलेंस करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, साबित धनिया भुना कुटा हुआ तवे के ऊपर सेक के फिर कूटेंगे एक खाने का चम्मच, ज़ीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, साबित धनिया भुना कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, ज़ीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच। ज़ीरा और साबित धनिया को तवे पे फ्राइंग पैन में सेक के ठंडा करके कूट के डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, कच्चा नहीं डालिएगा। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ो मिर्च एक चाय जो चमचो, चाट जो मसालों जो मिलंदो एक चाय जो चमचो, साबित धाणिया एक साबित धाणा एक खाने जो चमचो, जो टेबल स्पून से चावर खाइंदा एतरो भरे, ज़ीरो एक चाय जो चमचो, बिन्हीं के तए के मथा सेकंदो या फ्राइंग पैन पे कुटे विझिजो, उनका जायको सुठो इंदो, कच्चो ना विझिजो। गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, एक एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर और लूण अध अध चाय जो चमचो, साबित धाणा एक खाने जो चमचो, ज़ीरो एक चाय जो चमचो, बिन्हीं के सेके कुटे पोइन में विझंदो। ठीक है, ये सारे मसाले चले गए हमारे फ्राई, अच्छी तरह हमने इसको करना है मिक्स। अब इसमें अंडा नहीं जाएगा, अंडे की हम कोटिंग करेंगे। ठीक है, रेशा कबाब का जो है वो ये सब डालेंगे, इसके बाद हम इसमें ब्रेड भी डालेंगे। ठीक है, ब्रेड के 3 स्लाइस ले लें, वो भी डालेंगे, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और फ्लेवर को बैलेंस करेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डालना है ब्रेड के स्लाइस, ब्रेड के 3 स्लाइसेस हैं, इसको इस तरह तोड़ लें, इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, गीला करके डालेंगे थोड़ा सा, इसी बाउल में कर लेते हैं आलू वाले में। डबल रोटी के स्लाइसेस ट्रे खड़ दो इस तरह, ये मुझे बड़े लग रहे हैं ना, तो मैं इसमें से 2 से 2.5 डालूंगा, ये बड़े स्लाइस हैं, आपने मीडियम साइज़ के 3 डालने। ठीक है, मैंने 2.5 स्लाइस लिए हैं, काफ़ी हो जाएगा, वधिक न विझिजो, वडा आहिनि त पोइ 2.5 स्लाइस 2 स्लाइस विझिजो, नंढी ब्रेड आहे मीडियम साइज़ जी त पोइ। त अब यूं हाथ में पानी ले रहा हूं थोड़ा सा, जितना आ जाए, 4 खाने के चम्मच 5 खाने के चम्मच जितना पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, गीला करना, इसको पानी के साथ सॉफ्ट करना, और अगर पानी की और ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर हम और डालेंगे, हाफ़ कप जितना भी जा सकता है पानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, शायद जाए, तो इसको स्लाइसिस को आपने इस तरह मैश करना है अच्छी तरह, बिल्कुल मसल के, ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, बहुत पानी वाले स्लाइसिस ना हो, इस तरह मैश करके, ये बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, फ्लेवर भी आएगा बहुत अच्छा। ठीक है, ये देखें, 2 बड़े स्लाइसिस या 2.5 स्लाइसिस या 3 मीडियम साइज़ के स्लाइसिस, छोटे हैं बहुत स्लाइस तो 4 भी डाल सकती है। ठीक है, इस तरह आपने स्लाइसिस को बिल्कुल आटे की तरह कर देना है, ये देखें बिल्कुल मैश हो गए ना, अब ये भी स्लाइसेस हमने कीमे में मिला देना है, बस ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, हाँ इनके चंगी तरह मिक्स करनासी अच्छी तरह, जैसे लेकिन इतना नहीं दबाइएगा कि रेशा ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस अच्छी तरह आपने हल्के हाथ से मिक्स करना, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगी कि रेशा जो हमने बनाना था ना वो ना ख़त्म हो। मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ लेकिन ज़ोर बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, रेशा हमने ख़त्म नहीं करना है चिकन का, ये बड़े ज़बरदस्त कबाब बनेंगे चिकन के, चिकन टिक्का रेशा कबाब, इसको आप टिक्कियाँ बना के फ्रीज भी कर सकती हैं। ठीक है, 2 महीने 3 महीने, और जब आपने फ्रीज़र से निकालने तो फिर आप फ़ौरन निकालें, फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म करें, बस 5 मिनट से ज़्यादा ना रखें, वरना सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बस इसको फिर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना शुरू कर देना, वो खुद ही पकते पकते ठंडे होंगे ना तो अच्छे पकेंगे। लोग क्या करते हैं, निकाल के कबाब शामी कबाब रख देते हैं, वो नरम हो जाते हैं हलवे की तरह, फिर आप फ्राई कर रही होती हैं टूट जाते हैं, कभी भी ऐसा ना किया करें, डायरेक्ट आप फ्राई करें। ठीक है, ये हो गए, अब इसके हम बनाएंगे कबाब, और दूसरा हमने क्या करना है, यहाँ पे लिए 2 अदद अंडे, 2 अदद बेदा खाया, और बेदन में ऐसा छावे जंदासी, अंडे 2 अदद फेंट लेने, कोटिंग करके फ्राई करेंगी तो और मज़े के बनेंगे। 2 अदद अंडे ले लिए, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, और चिकन टिक्का मसाला एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, चिकन टिक्का मसाला एक चाय का चम्मच, और अगर बच्चों के लिए बना रही है तो फिर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और चिकन टिक्का मसाला ना डालें, वो अलग से अंडा थोड़ा सा बीट करके रख दें, वो सादा कर दें, तो इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी ये अंडे में कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, 2 अंडों में और चिकन टिक्का मसाला चला गया है, कितना इसमें, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेना है पानी, कबाबों को कोट करना और फ्राई करते जाना,
हाथ गीला करके हमेशा कबाब बनाएंगी तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। फ्राइंग पैन लेते हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन में ऑयल भी जंदा सी, शैलो फ्राई, हर चीज़ बॉयल है, तैयार है, तो इसको ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। शैलो फ्राई करेंगे, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लें या पौना कप ले लें ताकि हमने कलर देना। बड़ा फ्राइंग पैन है, तवे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ़ कप पौना कप कुकिंग ऑयल गर्म होगा। यहाँ पे हमने पानी लिया, अंडे रखे हुए, कबाब आप बनाएंगी। कबाब टिक्कियूं ठाहींदा वेंदासीं, इनके फ्राई करना वेंदासीं। ऐं हाँ, अगर तव्हांखे फ्रीज़ करिणो आहे त फ्रीज़ करे छॾियो, पोंडो लॻाइण जी ज़रूरत न आहे। सादा भी बना सकती है, लेकिन ये जो मैं कोटिंग कर रहा हूँ ना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदाब। जी यदि प्रोग्राम में गालाणो आ सा मां तरफ रोज का गालायो। जी यदि मां फैसल गलाया पियो, छा लाइन ताजा ठीक आयो? अल्लाह जी शुक्र आदा, ता ठीक आयो, ता जो प्रोग्राम दा सुठो आए। मेहरबानी तमाम घणी। मां आमना दी गालाया। आमना रोज तरफ रोज का ठीक आ दी, को चण चाहिंदो को फर अदा तां ने प्रोग्राम में कबाब खाए ता रदा सदा नंग रे तेल थोड़ो बाद में लिखो थोड़ो रिपीट को बुदा जो ठीक है। रिपीट कोशिश के दो, टाइम हुंदो तो कराइंदम, न त को सुबह जो रिपीट में हुंदी है लाइट 9 बजे ता आंट जी दा और 9 बजे रिपीट में डिसवर जो का शेरे जी विंदी आता, ठीक है दी। को फरमाइश करनी है ताके आदा रियो बिरयानी साई के सिखा जो बुदा जो बिरयानी कल ना डिठो प्रोग्राम में मच्छी जी बिरयानी ठाई हुई अच्छा ठीक है वरी विच में ठाई वेठंदा सी अगर YouTube दिसंदा हो तो उते भी सर्च करे सगो ता मच्छी जी बिरयानी मिल वेंदी ताके ठीक है मेहरबानी अदा मेहरबानी ओके दी पाया ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़। कबाबों को देखें कितना जबरदस्त कलर क्यों आ रहा है कि इसके ऊपर हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो तिक्का मसाला है ना वो अंडे में मिलाया हुआ तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पानी आ रहा है लोगों के मुँह में तो यहाँ पे हमने अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा कबाब का साइज़ आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। कबाब जो साइज़ था पानी मर्ज़ी सा नंडो वंडो कर सको था। हे विजंदा वेंदासीं कबाब ऐं अंदर जो कोई मसालो है ना हिन खां ॾाढो ज़बरदस्त फ्लेवर ईंदो, ठीक आहे। लेकिन फ्रीज़ कंदे महिल तव्हां कोटिंग न कंदो अंडे जी, ईअं ई तव्हांखे डायरेक्ट कबाब हीअं हथ आलो करे टिकी ठाही चङी तरह टिकी जो शेप ॾींदो ऐं फ्रीज़र में लॻाए छॾंदो, ठीक है। दब्बे में जेमी भी करूँगा, फ्रीज़र में अगर लगाना है ना तो फिर आपने इसको ये अंडे की कोटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, फिर आपने इसको डायरेक्ट फ्राई करना है। आँच बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा कि कबाब एकदम डार्क हो जाए। हाथ ज़रूर गीला करके बनाया करें, कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। दोनों हाथ गीले करके बनाएं या ऑयल से ग्रीस करें, पानी से बिल्कुल परफेक्ट कबाब हमेशा बनते हैं। चाहे सीख कबाब हैं, चाहे गोला कबाब हैं, चाहे शामी कबाब हैं, हमेशा ना हाथ पर चिपकेगा और इसका रेशो भी बराबर रहता है इस तरह। और ये फ्लेवर देखें इसे बहुत अच्छा है अंडे से, ठीक है। इन तरीके से ठाहींदा वेंदो। अच्छा मां थोड़ा मीडियम साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ हूँ ना एतरा कबाब ठाहे पियो, तव्हां नंढा वॾा करे सघो था, ठीक है। पंहिंजे हिसाब सां पाण पाण ठाहिजो। कबाब जो मैं है मीडियम साइज़ के बना रहा हूँ, जैसे मार्केट के होते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, रेस्टोरेंट स्टाइल के होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। कोफ्ते जितना आपने उठा लिया, थोड़ा से ज़्यादा बड़े कोफ्ते जितना। और अगर आपने छोटे कबाब बनाने तो आप उसको ही कर सकते हो। और ये अंडे में दो तीन दफ़ा इस तरह इसको घुमाएं ताकि इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और तिक्का मसाला जो है ना वो लग के आ जाए ऊपर, ठीक है। फौरन नहीं हिलाना है, थोड़ा सा आपने इसको टाइम देना है। जब आपको अंदाज़ा होगा नीचे से अंडा खुद ही वो झाग सी नज़र आ रही होगी अंडे की, आपको लगेगा अंडा फ्राई होना शुरू हो गया है, तो फिर आपने पलटना। फौरन पलटेंगी ना तो क्या होगा कि अंडा टूट जाएगा, कोटिंग इसकी उतर जाएगी, जो हम चाह रहे हैं कोटिंग वाले हों वो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। टूटे टूटे कबाब होते हैं। अच्छी तरह कबाबों को शेप देते जाएं इस तरह, और ये कुटी हुई लाल मिर्च और तिक्का मसाला के साथ जो कबाब है ये इसमें डालते जाएं। अब यहाँ पे बने 3, 3, 6, 7, 8, 12 से 14 कबाब बनेंगे इस क्वान्टिटी में, ठीक है। बड़े बना रहा हूँ, और अगर आपने छोटे कबाब करके बनाने तो आपके 20 कबाब भी बन सकते हैं, 18 से 20, ठीक है। क्वांटिटी खुद देख लें, 1.5 पाव चिकन है, ठीक है, 1.5 पाव जितना आलू है, और या 1 पाव या 1.5 पाव के करीब आलू है, ठीक है, और बाकी हरा मसाला है, तो इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी बन जाती है। ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अब मैं इसको पलटाना शुरू करूँगा, पहले मैंने नहीं पलटाया। जब एक तरफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे से हो गए तो फिर आपने उठा के पलटाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका लुक, ठीक है, तमाम बेहतरीन ही टिक्की ठहे पे। हिन खे तव्हां चांवरनि सां गॾु बि खाई सघो था, मानी सां गॾु बि खाई सघो था, डबल रोटी जे अंदरि बि रखी, बर्गर बन में बि रखी खाई सघो था, पराठे सां गॾु नाश्ते में ठाही सघो था, दावत आहे हुन में रखो, फ्रीज़र में रखी छॾो ठाही, पोइ
जड़े दिल करे कढ़ी ठाई बैठो। तो रमज़ान आएगा, रमज़ान में भी ये रेसिपी आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप सहरी के लिए भी बना के रख सकते हैं। अभी फ्राई होते जाएंगे तो हम बनाते जाएंगे इसको। आप बर्गर बन के अंदर सलाद लगा दें, सलाद पत्ता है, प्याज है, जैसे हम लगाते हैं ना चीज़ें, चटनी लगा दी, बर्गर बन के अंदर भी बना के खा सकती हैं, वाइट राइस के साथ, चटनी वगैरह के साथ, और उसके अलावा आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपका दिल करे। और रमज़ान में ये रेसिपी आपको काम आएगी, रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ये कबाब फ्राई होते जाएंगे, दोनों तरफ से एक जैसा कलर आता जाएगा, और इसको मैं निकालता जाऊँगा। जो कबाब पहले तलती है ना, वो अंदाज़ा आप देखा करें, वो आपने पहले उठाना होता है, ठीक है। ये हमारा पहला कबाब है, इस तरह आप उठाते जाएँ कबाबों को, जो फिर दूसरा, ताकि कोई कबाब अलग ना लगे, एक जैसे हों, ठीक है। ये तीसरा कबाब पीछे से पलटा के देखते जाएं कि कैसे बन रहे हैं। ज़बरदस्त हमारे चिकन टिक्का रेशा कबाब बन रहे हैं। अच्छा, आप बग़ैर उसके भी बना सकती हैं अंडे के, ठीक है। बग़ैर अंडे के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं क्योंकि इस पर ब्रेड लगी हुई है, ठीक है। बग़ैर बेदे जे भी तां करे सको था, अगर दिल न पियो करे बेदे जी कोटिंग करण जी, तो बग़ैर बेदे जी भी तां के करे सको था, मसलो ना है। अब दूसरे भी जो कबाब हैं उनको भी निकालते हैं, बनाते जाते हैं, निकालते जाते हैं। काफ़ी सारे कबाब बन गए, और ये मैंने बड़े साइज़ के बनाए थोड़े, तो अगर आप छोटे बनाना चाह रही हैं तो आपके 18 से 20 बनेंगे, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे हाथ गीला करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे अनार की चटनी। अनार बहुत अच्छा आया हुआ है, तो इसकी चटनी बहुत मज़े की बनती है। आपका आप एक दफ़ा बनाएंगे आप कहेंगे बार बार बनाते रहें। हाथ गीला किया, कबाब बनाया, यूँ घुमाते जाएँ, और मसाला, सारे कबाबों के लिए दो अंडे काफ़ी होते हैं, ठीक है। और अगर आपके ज़्यादा हैं कबाब, तो फिर आपने उस हिसाब से अंडे की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। चंगी तरह टिक्किन के हथ सां आलो कंदो इनके मसाले में, इनमें अंडे वारे मसाले में ना चंगी तरह घुमाइणो आ, उनका छा थींदो तव्हांजा कबाब ॾाढा सुठा ठहंदा। ये वाला भी हो गया, इसको भी उतार लेते हैं, जो जो होते जा रहे हैं, तो हाथ में ही नहीं आ रहा, हो गया। एक कलर आना चाहिए कबाबों का, डार्क कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12 कबाब आपके आराम से बनेंगे, ठीक है। सजा बेदा इनके अंदर पूरा थी वैन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे अनार की चटनी। ब्रेक का टाइम था ना थे, ठीक है। कबाब फ्राई थे पे तमाम बेहतरीन आइन, इनके ज़रूर ट्राई कजो। इन अनार यानी डाढ़ू जो अजकल अचे पे ना गाढ़ो, उनकी चटनी ठाने सिखारंदम, तमाम बेहतरीन किस्म की चटनी। आई सुभाने जो प्रोग्राम मिस ना कजो, सुभाने माश की दाल ठाईंदासी, ठीक है। माश की दाल तमाम बेहतरीन डिफरेंट तरीके से जो अच्छे कलर में होंगी, जो रेस्टोरेंट्स में खाईंदा आयो वही। आई हुन सा गड असा छा ठाईं पिया, मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल भी तमाम डिफरेंट तरीके से ठाईं सका पिया, मिक्स भाजी जो होंगी ना सब्जी, मिक्स वेजिटेबल कल बनाएंगे, ठीक है। कल हमने फिश की बिरयानी बनाई थी, जिनकी फरमाइश थी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो फिर आप उसको देख लें, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है प्रोग्राम। प्रोग्राम जब मैं लाइव करता हूँ ना 4 से 5, तो तकरीबन 7-8 बजे तक ये जितने प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेक जो टाइम थोड़ा ये कबाब असाजा फ्राई थी वन, इनके मैं कटन तो बना पो। अच्छा, इसका जो ऑयल है ना, ये ठंडा करके छान के रख दिया करें, बाकी आपको सालन में हर चीज़ में ही काम आएगा। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते होने का पे था सामू जेकर रेसिपी ठाई कबाब हिते मां कढ़ी छॾियां, ठीक है। कबाब आप देख रहे हैं मैं निकाल दिए, ये 12 कबाब हमारे बन गए। आप 18 से 20 भी बना सकती हैं, थोड़े चिपटे साइज़ के छोटे करके भी, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी किस शेप में बनाते हैं, इस तरह बन जाएंगे चिकन टिक्का रेशा कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनकी फरमाइश थी लास्ट वीक से आ रही थी चिकन कबाब की, तो ये आप ट्राई करें, बहुत मज़े के इंशाल्लाह और भी डिफरेंट किस्म के चिकन कबाब बनाएंगे, ठीक है। अब हमने बनानी अनार चटनी, ठीक है। अनार की चटनी या अनारदाना चटनी, दो ऑप्शन है। अनार आ रहा है आजकल, वाइट वाला हो या रेड वाला हो, वो आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे अनार, ठीक है, वो आपने ले लेना है। ये हमारे पास 1 कप जितना होना चाहिए, 1 कप जितना होना चाहिए अनार, वाइट हो या रेड हो।
और अगर ये नहीं है ना, आप अनार के बगैर जो सीज़न होता है तब भी दिल कर रहा हो, तो आपने अनार ले लेना है, अनार दाना अच्छी क्वालिटी का देख के, बिल्कुल खुश्क आता है ना, वो भिगोने के बाद भी नहीं भूलता, एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आता है वो ले लें, एक कप या थोड़ा उससे कम, उसको आपने भिगो देना है आधा घंटा एक घंटा, भिगो के रख दें, धो के फिर भिगो के रख दें, वो फूल जाएगा, उसका पानी फेंक दें, वो आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, वो ऑप्शन है, वरना आजकल फ्रेश आ रहे हैं, अभी 2-4 महीने इसका 4-5 महीने सीज़न रहता है, तो ये आप इससे बनाएं, अभी बहुत अच्छी बनेगी। अनार यानी डाड़ू ताज़ो मिले पे, अच्छो भी मिले पे, गुलाबी कलर में बेचे तो, गाढ़े कलर में बेचे तो, एक कप या थोड़ा उनका घट हुजण खपे, हे तव्हां खणंदो, अगरि जॾहिं सीज़न न आहे कॾहिं तव्हांखे ठाहिणो आहे, दिलि करे पियो त डाड़ू खुश्क मिलंदो आहे, लेकिन सुठी क्वालिटी जो ॾिसजो, सफ़ा खुश्क न हुजे रेत वांगुरु, ठीकु आहे, सुठो हुजे, उहो उनखे पिसाईंदो 2-3 कलाक पिसाए रखिजो, फुलिजी वेंदो पाणी में धोइण खां पोइ, उनखे पोइ तव्हां पाणीअ जो फिटो करे उहो बि यूज़ करे सघो था, लेकिन हिते असां ताज़ा अनार यूज़ कयूं पिया, ताज़ा अनार यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लेना ही यहाँ पे छोटा प्याज, ठीक है, एक छोटा प्याज, जूसर ब्लेंडर में भी कर सकती हैं, इमाम दस्ते में भी आप इसको कूट के बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि मशीन में ही बनाएं, उखरी मोरी में भी ठाही सको था, पहिरीं बसर के कुटंदो, उनखां पोइ बाक़ी मसाला आहिस्ते आहिस्ते सभु शयूं गॾु न विझो, पहिरीं बसर कुटंदो, पोइ सावा धाणा पूदनो, सावा मिर्च, अदरक थूम ईअं विझी टमाटा पोइ कुटंदा वेंदा, लेकिन अगरि मशीन आहे त जल्दी थी वेंदो, इमाम दस्ता है तो आप उसमें पहले प्याज कूटेंगी, फिर अनार के दाने कूटेंगी ताकि वो मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन, वो चीज़ें फिर स्टेप बाय स्टेप कूटती जाएँ, निकालती जाएँ, मिक्स करती जाएँ। अभी यहाँ ब्लेंडर में मैंने प्याज डाल दिया एक छोटा, हरा धनिया डाल दिया आधा कप, पुदीना आधा कप, साओ धाणो अध कप, पुदनो अध कप, एक गंढ बसर। अब हम इसमें डालेंगे अनार, ठीक है, अनार हम कितना डालेंगे, लाल वाला, ये एक कप से थोड़ा कम या एक कप होना चाहिए, ठीक है, खट्टा हो मीठा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर, टमाटर से इसमें सॉफ्टनेस आएगी, जूसी सा बनेगा वरना ड्राई ड्राई बनेगा, ठीक है, एक टमाटर डाल दिया। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप 2 डालें 3 डालें, मैं बारीक वाली हैं तो 3 डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन कुटा हुआ है मेरे पास, या साबुत डाल दें 1 चाय के चम्मच जितना, ठीक है, हमारे पास ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है तो ये पूरा मैं इसमें डाल रहा हूँ, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच जितना, अगर लहसुन के जवे डालनी है तो 4 डाल दें, अदरक का आधा इंच का टुकड़ा बारीक कटिंग करके डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अदरक तुम कुटियल हो तो मैं 1 चाय जो चम्मच विझा पियो, न तो पौधा है इतनी क्वांटिटी में विझी छो पाँच अंदाजे साबित। ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी 2 डाली हैं, तो ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरो 1 चाय जो चम्मचो, कारो लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, ऐं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचो। कारो लूण खां वधीक सुठो फ्लेवर ईंदो, अगरि न आहे त सादो लूण बि विझी सघो था, काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकती हैं, ठीक है, लेकिन काले नमक से क्या होता है फ़्लेवर बहुत अच्छा बन के आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें प्याज है ना, और थोड़ा सा 3-4 खाने के चम्मच प्याज, पानी डाल दिया, ठीक है, अब इसको हमने चला देना है। इतना आपने चलाना है कि अनार के जो दाने ना बिल्कुल अच्छी तरह पीस जाएं, ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें दरदरापन आएगा, और अगर आपको नहीं पसंद अनार के जो अंदर के बीज होते हैं ना, कि आप चाह रही हैं कि उसका दरदरापन ना आए, तो अनार को फिर आपने ब्लेंड करके छान के फिर उसका जूस डाल सकती हैं, लेकिन चटनी का टेस्ट उसी में आता है जब इसका दाना भी हो साथ। बहुत अच्छी तरह मैंने इसे पीसा ताकि इसका सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, वरना फिर क्या होता है कि वो थोड़े प्याज के पीसेस रह जाते हैं, डिफरेंट पीसेस रह जाते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। चटनी हम निकाल देते हैं, बड़ी ज़बरदस्ती बनती है ये, आपने ज़रूर ट्राई करनी है अनार की चटनी, ठीक है। अच्छा, कलर देने के लिए आप इसमें रेड फूड कलर थोड़ा डाल सकती हैं, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कलर विझण ला अगर तव्हांखे समझ अचे पियो कि
गाढ़ो कलर असा इनमें विझूँ तो इनमें गाढ़ो कलर विझी सको था लेकिन वह ज़रूरत असा के न पवी। ठीक है, आप अगर इसमें चाहें तो रेड फूड कलर डाल सकती हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर अमजद बात कर रही हूँ अब्दुबाद से। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। 7 साल का देखे, बहुत ही अच्छा था जो फिश बिरयानी बनाई है, बहुत बहुत ही कमाल की बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा बना के ना। हाँ जी, आज भी देख रही हूँ प्रोग्राम। और ये अनार की चटनी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। हाँ जी, बनाते रहते हैं चटनी भी हम। अच्छा, अनार की बनाती हैं आप? हाँ, अनार की बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अच्छी बात है, कोई फरमाइश करनी है आपने? फरमाइश आपका पूरी कर देते हैं वैसे जी। आप एक फरमाइश है, वो आपदा परवीन साहब आपको अपने प्रोग्राम में जरूर बुलाएं। आपदा परवीन साहब आप कहाँ आ सकती हैं फिर कुकिंग शो में? क्योंकि उनका जाहिर है वो आएंगी तो वो उनको टाइम चाहिए, 2-3 घंटे चाहिए, तो वो तो फिर प्रोग्राम में रहना होता है कि बाकी मॉर्निंग शो वगैरह इसमें तो आ सकती हैं, बुला सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में तो बहुत मुश्किल होता है सिंगर्स वगैरह को बुलाना ना। अच्छा, है ना, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह देखें, अनार अच्छा मैंने वैसे ही इसमें डाले हैं ताकि इसका लुक अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर से अनार डालें, गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें थोड़े से अनार डाले। ठीक है, डाड़ू ये जो अनार है मैं गार्निशिंग ला विधो, ज़रूरी ना है कि तान में विझो, तो इन जो बस लुक सुठो इंदो तो मैं इन करें अंदर ही अनार विझ छे, बाकी ही ज़बरदस्त रेसिपी असाई तैयार थी भैया। ठीक है, कल ये सुबह देखिएगा रिपीट में चलेगा प्रोग्राम, सुबह कितने बजे? 9 बजे, कल रिपीट में सुबह चलेगा प्रोग्राम 9 बजे। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप के लिए मैंने बहुत इजी किया हुआ है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकती हैं, सिर्फ वॉइस मैसेज या मैसेज करें, कोई भी रेसिपी चाहिए हो, जैसे शबाना हनीफ हैं, काफ़ी सारी कॉलर्स हैं मैसेजेस करती हैं, मैं उनको रेसिपी शेयर कर देता हूँ, कोई चीज़ पूछनी होती है, कुछ पका रही हैं, कुछ मिस हो जाता है। एक में हमें पंजाब से कहाँ से मैसेज आया था, खीर बना रही थी ससुराल में अपने, उनको समझ नहीं आते चावल निकल रहे थे, वो उसी वक्त मैंने बताया, उन्होंने मुझे पूछा मैसेज करके, मैंने उनको बताया, 1/2 घंटे में उन्होंने फिर मैसेज किया कि बहुत अच्छी बन गई, पिक्चर भेज दी। इस तरह बच्चियाँ पिक्चर्स भी भेजती रहती हैं बना बना के रेसिपीज़ की। तो इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे माश की दाल वाइट कलर में। ठीक है, वाइट कलर में माश की दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है, साथ ही हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल, सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं आजकल, सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी आना शुरू जाती हैं। कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा, और ये वाला प्रोग्राम कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। और कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, इस पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वहाँ जो रेसिपीज़ आपको चाहिए सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद फैसल असांजो यूट्यूब पर चैनल ठहियल है, उनके सब्सक्राइब करो, सर्च करो, तमाम रेसिपीज़ वीडियोस अगर तक मिली वेंदी, 1000 का मथे उत वीडियोस अपलोड थी चुकियो हैं, जेका शे खपे उते तांके। बाकी मुझे व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, उनते वॉइस मैसेज या मैसेज कजो, कॉल में अटेंड कौन कंदो आया नए नंबर का, तो वॉइस मैसेज या मैसेज कंदो, सिटी जो नालो वगैरह का भी रेसिपी के बारे में पूछो, मुझे कॉल करे और मैसेज करे पूछे सको था। इंशाल्लाह सुभाणे माश जी दाल ठाईंदासीं नए स्टाइल में, एक वाइट कलर में, अच्छे कलर में, मसालों जब बिल्कुल डिफरेंट हूँ, उन टाइम पे मिक्स वेजिटेबल छाने भाजी तमाम सुठी अचन पे इन सियारे के मौसम में। ठीक है, बाकी अगर मौसम इंदो साग जो था साग मच्छी ये शूँ कंटिन्यू रखी, पाँच खोड़ सारो ख्याल रखो, दुआ में रख रो, अल्लाह हाफिज़। तमाम एपिसोड इसो हाने HD क्वालिटी में विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।